गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टीम टरबाइन एंड इट्स टाइप। आज हम लोग स्टीम टरबाइन का टाइप में इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट 5 का 5.2 टॉपिक है। जो लोग SBTE पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले हम लोग जानेंगे कि स्टीम टरबाइन होता क्या है। स्टीम टरबाइन कहता है द स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर। क्या है? प्राइम मूवर है। इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम, इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड लेटर इन इट्स टर्न इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। मतलब है बेसिकली अगर हम सीखें तो कहता है कि टरबाइन एक प्राइम मूवर है जिसकी मदद से पोटेंशियल एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद इसको रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट की मदद से उस काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, और तीसरा है कम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। बट हमारे सिलेबस में ओनली इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम लोग इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स द टॉप पोर्शन ऑफ द फिगर शोज टरबाइन, मिडिल पोर्शन शोज सेट ऑफ फिक्स नोजल एंड लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम इंडिकेट अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन। ये तीन पोर्शन में इसको कैटेगराइज किया जाता है, जो है तीन पोर्शन में। देखिए यहाँ यही किसी को कहता है टरबाइन का पोर्शन है, यहाँ पे फिक्स नोजल है और टरबाइन ब्लेड है, और यहाँ पे उस स्टीम फ्लो का प्रेशर और वेलोसिटी के बारे में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। देखिए इसका होता कैसे, वर्किंग प्रिंसिपल देखिए। यहाँ पे जो फिक्स नोजल है और यहाँ पे टरबाइन ब्लेड है, तो फिक्स नोजल में क्या होता है, पहले नोजल के थ्रू स्टीम जो क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। स्टीम बॉयलर यहाँ से एग्जॉस्ट करके स्टीम ब्लेड से यहाँ हुआ, और देखिए यहाँ से क्या होता है, स्टीम को इन कराने के बाद नोजल का जो काम होता है वो प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करना, और उस काइनेटिक हाई वेलोसिटी वाले स्टीम को क्या करा, टरबाइन ब्लेड पर क्या किया जाता है, पिंच कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो जो जेट बनता है उसको फ्लो किया जाता है और टरबाइन का जो रोटर है वो रोटेट करता है, जिसके कारण वो जो होता है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और हमको उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है हमारा प्रेशर ज़्यादा है और इनिशियली लास्ट में हमारा प्रेशर क्या है, इनिशियल में वेलोसिटी ज़्यादा है, एक कम है, और देखिए यहाँ पे जब ब्लेड पे जाता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, अचीव होता है। ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल में क्या कहता है कि एज द स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल, डिस्कस किए, इट्स प्रेशर फॉल फ्रॉम स्टीम चेस्ट प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, स्टीम जो होता है वो कंडेंस हो जाता है। ड्यू टू दिस रिलेटिवली हाई रेशियो ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द नोजल, स्टीम लीव्स द नोजल एट वेरी हाई वेलोसिटी। तो क्या होता है, उस कंडेंस करने के बाद वो जो एक्सपेंशन के कारण जो होता है वो जो स्टीम होता है वो नोजल से वेरी हाई वेलोसिटी से क्या करता है, लीव करता है,
हाई वेलोसिटी से लीव करता है अभी उसके बाद कहता है और ड्यू अब देखो हाई वेलोसिटी से लीव करता है तो जो लॉसेस एक्सपेंशन है तो लॉसेस होगा तो कहता है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू दिस हायर एग्जिस्ट वेलोसिटी द लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हायर एग्जिस्ट वेलोसिटी कॉमनली कॉल्ड द कैरी ओवर लॉस और लिविंग लॉस जो हायर वेलोसिटी तो उसमें तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा ड्यू टू एक्सपेंशन तो इसलिए रिएक्शन टर्बाइन सेकेंड जो है वो रिएक्शन टर्बाइन के बारे में देखिए रिएक्शन टर्बाइन कहता है इन दिस टाइप ऑफ टर्बाइन देयर इज अ ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप एंड टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली ओवर फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड देखिए इसमें फिक्स्ड ब्लेड होता है और मूविंग ब्लेड होता है। फिक्स्ड ब्लेड को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नोजल भी क्योंकि फिक्स्ड ब्लेड एज अ नोजल ही का ही वर्किंग है। उसके बाद कहता है द फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड इज दैट दे अल्टर द डायरेक्शन क्या करता है दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ स्टीम दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ स्टीम एज वेल एज इट एक्सपेंड टू अ लार्ज वेलोसिटी। तो जो फिक्स्ड ब्लेड है वो अल्टर द डायरेक्शन को चेंज करता है स्टीम के फ्लो का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या और वो एक्सपेंड करके हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम फाइंड आउट हो सकता है एज द स्टीम पासिस ओवर द मूविंग ब्लेड और उस स्टीम को जब मूविंग ब्लेड पे फाइंड आउट किया सॉरी पास कराया जाता है फिक्स ब्लेड का जो आउटलेट होता है हायर वेलोसिटी लार्ज वेलोसिटी वाला एज द स्टीम पासिस ओवर द मूविंग ब्लेड इट्स काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय देम। तो फिक्स ब्लेड के जो मूविंग ब्लेड होता है उसके काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो टर्बाइन का जो रोटर है वो रोटेट करता है वो क्या करता है रोटेट करता है। इस तरह का डायग्राम है देखिए यहाँ पे ये टर्बाइन केसिंग है जो हमारा बॉयलर है शाफ्ट है ये स्टीम और ये हम जो अभी डिस्कस किए थे प्रेशर यहाँ पे देखिए प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे प्रेशर कम है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है स्टीम इन किया तो हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे देखिए फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड तो फिक्स ब्लेड का काम क्या है अल्टर द डायरेक्शन और हाई वेलोसिटी उस हाई वेलोसिटी को मूविंग ब्लेड क्या करेगा हाई वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा टर्बाइन के रोटर पे इंपिंज कराएगा। सेम चीज़ फिक्स नॉजल फिर क्या करेगा हाई प्रेशर को इनक्रीज करेगा फिर मूविंग ब्लेड क्या करेगा टर्बाइन के ब्लेड पे काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके मूविंग ब्लेड और टर्बाइन के रोटेटर को रोटेट करेगा जिससे हमको मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा और लास्ट में क्या करेगा स्टीम आउट हो जाएगा। एम का मतलब मूविंग ब्लेड और एफ का मतलब फिक्स ब्लेड ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ पे कंबाइन डायग्राम यहाँ पे है देखिए जो हमारा है मूविंग बकेट फिक्स नोजल हमारा इम्पल्स टर्बाइन में फिक्स नोजल है और रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है रोटेटिंग नोजल होता है। फिक्स नोजल है यहाँ से देखिए स्टीम इम्पिंज करा गया और इससे रोटेट किया मूविंग बकेट होता है मूविंग ब्लेड होता है बकेट और ये हमारा बकेट है और फिक्स नोजल फिक्स होता है और यहाँ पे देखिए रोटर जो है यहाँ इसको बोलते हैं रोटरेट वाला जो है रोटर है और ये हमारा क्या है स्टार्टर है तो इसको भी फिक्स बोल सकते हैं इसको क्या सब बोलते हैं मूविंग बोल सकते हैं। और ये फिक्स ब्लेड क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस करके और हमारा काइनेटिक एनर्जी हाई वेलोसिटी स्टीम देता है और उस हाई वेलोसिटी स्टीम को क्या करता है ये काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके रोटर को रोटेटर कराने में काम आता है जिसके कारण उस रोटर के कारण हमको मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है प्राप्त होता है और उस फाइनली अगर उस मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन के बारे में हम लोग पढ़े और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे कंपाउंडिंग। थैंक यू।